जी हाँ गाइस, आज आपके सभी संकट सभी दुख जो है वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अलवर जिले के किशनगढ़ बास के हनुमान मंदिर के अंदर। जी हाँ गाइस, यह हनुमान मंदिर स्वतः ही प्रकट हुआ था और अरावली पहाड़ियों के बीच में, चट्टानों के बीच में ये मूर्ति जो है वो स्वतः प्रकट हुई थी। और मान्यता कुछ ऐसी है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से, जी हाँ गाइस, केवल दर्शन मात्र से ही जो है वो भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं अलवर के हनुमान मंदिर के अंदर। रास्ता थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि पहाड़ियों पर यह मंदिर स्थित है, लेकिन गाइस मान्यता ऐसी है कि आपने जो मांगा वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस मांगने में आपकी जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज अलवर की सुरम्य में पहाड़ियों के बीच में आपको लेके चल रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अरावली की जो पहाड़ी है वो चारों तरफ से अलवर को जो है वो घेरे हुए है। तो जी हाँ गाइस, पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और यह मंदिर का रास्ता थोड़ा सा गलियों से निकल कर है क्योंकि मंदिर जो है वो प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो हमें खेत भी मिले, हमें टूटी हुई सड़कें भी वहाँ पर जो है वो मिली, लेकिन जैसे जैसे रास्ता पास आता जा रहा था वैसे वैसे दिल को जो है वो सुकून मिलता जा रहा था। तो गाइस, अभी ये जो फाइनल ट्रैक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यही रास्ता जो है, ये छोटी सी सकड़ी सड़क जो है वो हमें हनुमान मंदिर की तरफ लेकर जा रही है। तो जल्द ही डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा। और गाइस ये देखिए, पहाड़ियों का रास्ता है, पहाड़ से हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं और लगभग हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ गाइस, ये गाड़ियाँ जो खड़ी है यही पार्किंग स्टैंड है और आगे जो है वो रास्ता बंद किया गया है। तो गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र होजा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस अभी हम लोग हैं अलवर के अंदर किशनगढ़ बास के हनुमान मंदिर। जी हाँ गाइस, जहाँ पे हनुमान जी जो है वो स्वतः ही प्रकट हुए थे, तो बड़ा ही फेमस मंदिर है। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर का हाल। तो गाइस ये है प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। तो गाइस ये है मंदिर की सीढ़ियां और सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मंदिर के। ऐसी है हनुमान जी का मंदिर और ये देखिए बिल्कुल गुफा का रास्ता एकदम, और ये है हनुमान जी। पहाड़ियों से मंदिर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दूर दूर तक जंगल और पहाड़ियाँ हैं और नीचे चल रहा है प्रसादी का कार्यक्रम। चट्टान आप देखिए, पूरा सिंदूरी रंग से जो है वो चट्टान को रंगा हुआ है। यहाँ भी जो है विशाल चट्टाने हैं, पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला।
और इस पेड़ के ऊपर जो भी मन्नतें मांगी जाती है यहाँ पे डोरा बांध दिया जाता है जब मन्नत पूरी हो जाती है। पहाड़ी वाले बांस कृपाल नगर मंदिर ये वाला अभी बंद है क्योंकि हम आए दोपहर के अंदर और ये रास्ता जो है वो सीढ़ियों से बना हुआ है जहाँ से आप सीढ़ियों के द्वारा भी मंदिर में आ सकते हैं। क्योंकि हमने गाड़ी ऊपर तक लेके आए हैं तो हम लोग अभी गाड़ी के वाले रास्ते से आपको लेके जाएंगे वापस। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं मंदिर का व्यू। तो गाइस यहीं पे एक मंदिर हमें और दिखा है जहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है और ये भी इसी मंदिर के साथ में अटैच है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा के। तो गाइस ये मंदिर भी हमें बंद मिला है क्योंकि हम आए दोपहर के अंदर और दिखाते हैं आपको अरावली पर्वत श्रृंखला की बड़ी बड़ी चट्टानें। नीचे आप देखिए बड़ी पिसलन वाली पहाड़ियां हैं। तो गाइस ये था रोल मॉडल हनुमान जी का फेमस मंदिर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो और फॉरवर्ड करना ना भूलें ताकि ऐसे अद्भुत मंदिर की इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों तक पहुँचे जो इस मंदिर तक अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।